आज हम बनाएंगे चावल की कचरी। इसके लिए हमने 2 किलो चावल लिए हैं और इन्हें रात भिजो के रख दिया है। अब धो के इन्हें चूल्हे पे पकाएंगे। चूल्हे पे पकने दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल ली है। और अब डालेंगे खाने का सोडा। इसमें डालेंगे रंग, आप जितना मर्जी रंग डाल सकते हैं इसमें। अब इसे 1 घंटे तक चूल्हे पे पकने देना। चावलों को इनको अच्छी तरह से उबाल लिया है और इसको हम उबालने के बाद में इस तरह से, यदि ये घोटा है तो इसको घोट के हम बारीक कर सकते हैं, या फिर आप इसे मिक्सी में भी इसको मिक्स करके बारीक कर सकते हैं। यदि इस तरह से चावलों को उबाल कर और उसको पीस कर हम कचरी बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और यदि हम चावल के आटे का प्रयोग करते हैं इसके लिए तो उसमें स्वाद थोड़ा कम हो सकता है। इस तरह से हम ये जो हमने मिक्स किया है चावल को, इसको हम किसी कपड़े में या फिर किसी जो हमने ये पॉलिथीन के लिए हैं और इसके अंदर एक छोटा सा सुराग हम करेंगे और उसके बाद हम इसको बाद में हम कोई कपड़ा बिछाने के बाद में और इस तरह से इसको गोल गोल घुमाकर जलेबी की तरह हम जैसे चाहे वैसे शेप में इसको हम बना सकते हैं।